आप सब लोगों का लॉकडाउन कैसे निकला फिर? यहाँ से शुरू करते हैं सलमान। यार मेरा बहुत प्रोडक्टिव था क्योंकि मैं जितना टाइम अपने बीवी और बच्चे को नहीं दे पा रहा था, आई कुड डू दैट। यार 4 महीने बाद पक गया यार। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मैं आई एम नॉट अनग्रेटफुल, क्योंकि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सिर पे छत थी, वी वर वेल प्रोवाइडेड। और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव यही चेंज हुआ कि यार जब घर पे बैठा हूँ व्हाई नॉट हेल्प पीपल। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैंने अपने दोस्तों को जोड़ा, एक ग्रुप बनाया, और जितने लोगों को अपने खानदान में और रिश्तेदारों में मदद कर सकता था मैंने वो कोशिश की। छोटी सी जितनी भी मेरी चादर है उतनी मैंने कोशिश की। आई थिंक बहुत सारे इमोशंस से मैं गुजरा हूँ इस लॉकडाउन में, एंड लाइफ को लेकर एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। क्या बात है, बदला हुआ सलमान देख रहे हैं हम। एकदम से गुरुदेव दाढ़ी बढ़ा के कोई प्रवचन देने लग जाना। पूछा तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं तो कल लॉकडाउन में क्या रहा, मुझे क्या पता कनेक्शन जुड़े हैं, ये सब हुआ इतना सारा। मैंने तो अपनी टॉयलेट की टाइलें गिन दी सारी, ऊपर वाली बड़ी वाली कितनी, छोटी वाली कितनी है। जेट स्प्रे तो मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। मेरा जेट स्प्रे का प्रॉब्लम था, करते तो ऐसा लगता था वो मैंने ठीक किया खोल के। तो कुछ सवाल जो हैं वो आपके फैंस के हैं, जो हमने उनको बताया कि आप सब लोग आ रहे हैं जी। तो उन्होंने पूछा कि एक दूसरे से पूछना जरूर कि ऐसे कौन करता है, कोई भी जवाब दे सकता है। प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन झगड़ता है कि इस जगह पे तो मैं ही डांस करूंगा? ये आदमी। यस सर। अभिनव हाँ, पहला वीडियो बाजी, पहले वीडियो में विद्रोही तरह के आपके विचार हो गए हैं। और ऐसे डांसर्स जो धरुंदर हैं उनके सामने आपने कहा कि मुझे ऐसे करना है? सर वो क्या था, खुद का गाना था, खुद लिखा था मैंने, तो जब भी लिरिक्स जब आता था तो लिप सिंक ऑटोमेटिकली निकल जाता था, फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। हमारे जो कोरियोग्राफर की असिस्टेंट थी अलीशा। अच्छा अलीशा। उसका हर बार कंप्लेन होता था, सर इसको बोलो ना पीछे रहने के लिए, बार बार आगे आ जाता है, सबका लाइन ले लेता है ये। तंग किया है। आप बोलो तो सोनी टीवी को बोल के इनका मुंह ब्लर करवा दे वीडियो में। इधर जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर अच्छा है कि सब लोग देख रहे हैं, अगर एक ही कैमरा होता तो शायद मैं बोलता। खाने में सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? सभी नखरे सब इतने डाइट कॉन्शियस है। नहीं नहीं, एक आदमी जो यहाँ नहीं है जो एब्सेंट है, राघव, वो खाने में नखरे करता है। पहली मुलाकात हम लंदन में और भूषण कुमार जी से हम पहली बार मिल रहे हैं, हम सब रुके हुए, भूषण जी आते हैं, हम सब बोलते हैं हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। राघव आता है, कहता है सर एक हफ्ते से दाल बड़े कच्ची है सर, थोड़ा दाल पकौड़ दीजिए। दाल अच्छी कर देते, दाल बड़ी कच्ची। और भूषण जी ऐसे हो के दाल, उनके असिस्टेंट को शिव थोड़ा देखो दाल कच्चे है। ये एक्चुअली हुआ है, ये बाप रे कौन करता है ये? तो वो तो पहाड़ों में कहते भूषण कुमार ने तो नहीं भेजा उनको कि जाओ तुम। अच्छा, खुद को सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बता के शॉपिंग में डिस्काउंट कौन मांगता है? हम लोग तो नहीं करते, बट लिजल बहुत करती है। अच्छा, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम लोग तो डरते हैं, पूरा हमारा जो ग्रुप, मेरी जो पुरानी गैंग जो साथ में जाते थे हम लोग, तो इसके साथ जाने के लिए डरते, डर लगता। वो वैसे उठाती है कोई चीज। हाउ मच? आपने बोला 500, 100, नो कट। तो हम लोग बोले भाई कोई दुकान वाला थोड़ा मान जाएगा, ऐसे थोड़ी बार्गेन करता कोई। बट फायदा भी होता है ना। यस बहुत। मुझे हुआ इस बार गोवा में, 2000 में 5 टॉप और बेबी का फ्री। अरे इंग्लिश बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कौन करता है? मबरूक 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 मबरूक। ये सच बोलूं? बोलू बल्गेरिया में सब पोल खुली गया, कोई भी किस्सा इसका लोकल नहीं, सारे इंटरनेशनल है। फिर अभी है तो है भाई। तो हम लोग अभी गए शीशा के लिए, अब शीशे के लिए गए और दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आके हमारे पास वाली टेबल में बैठती हैं। अच्छा। और भाई कहते हैं कि अच्छा हाँ, तो फिर मैंने कहा क्या करना है? बोले भाई बात करो ना। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं? कह रहे भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप शुरू तो करो। सर वो डिसाइड करते करते ना हमारा 1 घंटा निकल गया। थैंकफुली उस मोमेंट पे करिश्मा तन्ना आई। अच्छा। और हमारे साथ बैठी। तो हमने करिश्मा को बोला कि करिश्मा हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दो। पहले तो ये ऐसे देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा ना, तो मेरी शादी हुई ऐसा करके। और जैसे बात करने के लिए हाय, और करिश्मा हाय सलमान, यस मेरे सलमान यार लड़कियों से बात करना चाहता है यार। मैंने करिश्मा को बोला कैसा आदमी। मैं बताता हूँ कि हम सबको पता है कि थोड़ा इंग्लिश में धर्मेश थोड़ा 19-20 है, उसको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि आसपास सिर्फ लड़कियां घूमती है, क्योंकि धर्मेश लव्स पार्टिंग। अच्छा। अभी पार्टी में आया,
पहले तो उसके अंधेरा फुल डार्क है तो भी चश्मे पहनेगा ग्लास लूज कपड़े चेन चलेगा चार पांच लोग है एंड देन फिर उसका डांस होता है डांस नहीं होता बंदूक चलाना होता है फिर इसे चश्मे के थ्रू देखेगा अच्छा अच्छा अभी तक इंग्लिश हुई नहीं है अभी लड़की को भी पता है कि अच्छा इंग्लिश गाने में नाचे इसको इंग्लिश तो आती होगी अभी इसको पता है कि तीन चार वर्ड है जैसे कपिल ही बोलता है उसको वो तीन चार वर्ड याद है या मेबी ऑफकोर्स या मेबी ऑफकोर्स इसमें हो जाता है फिर बंदूकें चलने लगती है ये मैं भी बंदूक के चलाऊंगा पार्टी में जाके सॉरी मेरी शादी हो जाएगी तेरे घर पे बंदूक के चल जाएंगी आज देख लो आज सारे देखो कैसा माहौल बना ईश्वर ने बनाया सारे मर्द के मर्द बैठे हुए हैं मैं आपको कहा भी मैंने अरे मैंने कहा इस तरफ मैं आप अपने में ले लेते मैंने आपको कहा डांस करते करते कपड़े किसके ज्यादा फटते हैं सलमान एक ही शॉट फटते नहीं है फट बात देता है अच्छा देता है अभी भी देखो ना मैंने हम जब भी डांस करो तो फाड़ दो वही है फील अच्छा मैंने पार्टी का बंदूक बोला ना सलमान का बता अरे हाँ अच्छा तहजीब मैनर्स अगर इंसान होता हो सलमान यूसुफ खान है ठीक है ना अभी आएगा मकरूफ अभी ये लड़की देखी मे आए लड़की ने हाथ दिया फिर लड़की इधर है फिर ये लड़की है ऊपर घुमा और उधर पूरा क्राउड आ गया जैसे गोवा में भी हुआ था गोवा में एक हैट में एक बंदा है मे आए सलमान यूसुफ खान सब अंकल अंकल सब बाजू पूरा क्राउड और लड़की ये बाल ये जूप जाप जूप जाप और जीत के आ गए पार्टी अरे वाह ये चल रहा है वहाँ ये सब करके मतलब भाई जीत गया मैंने देखा एक बार हम लोग एक डांस रियलिटी शो में होस्ट कर रहे थे तो ये सलमान और दृष्टि ये दोनों विनर थे अच्छा पार्टी में आके फिर उतना ही नाच रहा है मैं कहा अब तेरे को चैनल तेरे नाम कर दे सारा जीत तो आए वहां पे नहीं मुझे पता है वो शो का क्या है ना मैं भी था वो शो में उसमें नेक्स्ट सीजन भी होता है ना तो हम लोग का फोकस ये रहता है ये सीजन तो हो गया नेक्स्ट सीजन करना रिमेंबर ओके रिमेंबर दैट अच्छा धर्मेश के बारे में हमने सुना कि इनका पहला ब्रेकअप तब हुआ था जब ये किसी लड़की के कहने पे 10,000 रुपए महीना कमा के नहीं दिखा पाए थे ऐसा हमने सुना है और अब तो बैंक बैलेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है अब क्या स्टेटस है गर्लफ्रेंड का या फिर अभी अभी तो सिंगल है मतलब अभी 2 साल से सिंगल हूं 2 साल से सिंगल है तो कितनी देर तक रहते हैं आप सिंगल डिपेंड्स नहीं नहीं ऐसा नहीं जब तो दोबारा बल्गेरिया ना चले जाओ नहीं अभी थोड़ा सिंगल ही रहना फिर देखते हैं काम के बाद सोचेंगे अच्छा सलमान की ना लड़कियों में फैन फॉलोइंग बड़ी है मैंने देखा हुआ है एक दो शो हमने साथ में भी किए और इन्होंने जिनसे शादी की है वो इनकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी College. अच्छा वो तो आपको बचपन से जानती थी फिर भी उन्होंने आपसे शादी कर ली ये क्या बात हुई अरे मजाक फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़